नमस्कार दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, रोजाना अपने राशिफल को जानने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों, आप सभी को बता दें कि आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण, बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाला है, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि ये जो वर्तमान का समय है, यह समय कोई ऐसा है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है। जी हाँ दोस्तों, और यह व्यक्ति या इंसान आप सभी के जुनकाल में आते ही आप सभी का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। सोने पे सुहागा वाला स्थिति आप सभी का हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, बस दोस्तों हम आपको ये बता दें कि यह समय कोई ऐसा है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करता है। दोस्तों, अगर आप स्त्री हैं तो आपसे कोई ऐसा पुरुष है जो ऐसा प्रेम करता है और वो कहने से डरता है। अगर आप पुरुष हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि एक ऐसी स्त्री है जो आपसे छुप छुप कर प्रेम करती है, परंतु आपसे कहने से डरती है, इजहार करने से डरती है कि आप उन्हें कुछ कह ना दें। दोनों ही पक्षों के लिए दोस्तों आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास रहने वाले हैं, चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो। दोस्तों, इस राशि के जातक चाहे स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आप सभी के लिए आज का यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण और बहुत ही ज़्यादा खास है। जी हाँ दोस्तों, क्यों दोस्तों आप सभी को बता दें कि यह समय आप सभी को बता दें कि आपका प्रस्ताव जो आप किसी के सामने रखना चाहते थे, जिनके सामने आप रख नहीं पा रहे हैं दोस्तों, वह आपके सामने आने वाले हैं। जी दोस्तों, जो आपको इजहार नहीं कर पा रहा था, अब आपको इजहार करने वाला है। जी दोस्तों, और कौन है वो छुप छुप कर जो आपसे प्रेम करता है या फिर करती है, दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि वह इंसान कौन है, उसका नाम क्या है, दोस्तों वे कहाँ रहते हैं। दोस्तों, बहुत सारी बातें हम आज के इस वीडियो में आप सभी को समझाने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों आज की इस वीडियो को आप बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा। जी दोस्तों, और आपको ध्यान से समझना है कि हम कौन सी बात आपको बता रहे हैं, तभी दोस्तों इस वीडियो का आपको सबसे महत्वपूर्ण शीर्षक को समझ में आ जाएगा। जी हाँ दोस्तों, और सभी बातें जो हम आपको बताए हैं दोस्तों, सभी बातें आपको समझ में आएंगी। तो दोस्तों, बस आपसे यही निवेदन है कि वीडियो को बिल्कुल ही शांत दिमाग से अकेले में देखिएगा। जी दोस्तों, और ये बातें किसी और को आप बिल्कुल भी मत बताइएगा, क्योंकि दोस्तों ये बातें आपके जीवन काल की है, आपके ही अंदर की बातें हैं। दोस्तों, ऐसी बातों को छुपा कर रखना ही आपके लिए बहुत ही बेहतर होगा। जी हाँ दोस्तों, तो आए दोस्तों आप सभी को बता दें, कि इस औरत के या फिर इस पुरुष के आपके जीवन काल में आते ही आप सभी का किस्मत खुलने वाले हैं, आप सभी का भाग्य बिल्कुल ही चमक जाएगा, आप सभी की सोई हुई किस्मत चमक जाएगी। कि दोस्तों, इस इंसान के कदमों में कुछ ऐसी चमक है जो कि दोस्तों खास आपके लिए ही है, और दोस्तों ये इंसान ईश्वर ने सिर्फ आपके लिए ही बनाए हैं, और दोस्तों इनके आते ही आप सभी का जीवन बिल्कुल ही जगमग करेगा। जी दोस्तों, बिल्कुल ही आप सभी का जीवन एक प्रकार से, एक शब्दों में कहें तो दोस्तों पूरी रूपरेखा आप सभी का बदल जाएगा। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि दोस्तों यशमय ये जो इंसान है, यशमय आपको प्यार का इशारा करेगा। जी हाँ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जुनकाल में अब खुशियों की एक नई उमंग आने वाली है। जी हाँ दोस्तों, जिंदगी में कोई ऐसे कार्य होने वाली है जो दोस्तों आपसे बहुत पहले ही होना था, लेकिन दोस्तों थोड़ा सा विलम्ब लगा है, लेकिन दोस्तों सबसे अच्छा कार्य होगा। जी हाँ दोस्तों, और ये जो स्त्री है, ये जो पुरुष है दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से आपसे प्रेम कर रहा है। जी दोस्तों, और मन ही मन दोस्तों इन्होंने आपको अपना हमसफर भी मान लिया है। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि समाज की बातों के कारण या फिर समाज में कुछ गलत ना लोग समझे, दोस्तों इन्हीं के कारण ये आपसे अपनी बातों की झार अभी तक नहीं कर पा रही है। जी दोस्तों, आप सभी को बता दें कि ऐसा नहीं है कि वो आपसे प्रेम नहीं करते हैं,
दोस्तों वो आपसे बहुत ही ज़्यादा प्रेम करते हैं। लेकिन दोस्तों अब समय आ गए हैं जब आप उसके प्रेम को समझ पाएंगे, उसके प्रेम में गहराइयों को देख पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, इसी दोस्तों आप सभी का जीवन में एक नया मोड़ आएगा। और दोस्तों इस मोड़ से दोस्तों आपको पीछे मुड़कर बिल्कुल भी नहीं देखना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि दोस्तों आप सभी को बता दें कि जीवन में बहुत बार ऐसे बदलाव होते हैं कि व्यक्ति का जीवन बदल जाता है, लेकिन दोस्तों कई बार ऐसे भी बदलाव होते हैं जिनमें थोड़ा सा संकट होता है, लेकिन दोस्तों उनका जो फल होता है दोस्तों उनको सबसे महत्वपूर्ण होता है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आप वीडियो को बिल्कुल ही मिस ना करें और इन्हें अंत तक ध्यान से देखिएगा। उससे पहले दोस्तों सर्वप्रथम जो भी ईश्वर को मानते हैं, सच्चे दिल से मानते हैं, दोस्तों कमेंट बॉक्स में सच्चे मन सच्चे हृदय भाव से हर हर महादेव लिख दीजिएगा। साथ ही साथ दोस्तों वीडियो को एक प्यारा सा लाइक करके, चैनल पर नए हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ही ना भूलें, ताकि दोस्तों रोजाना आप सभी की राशि के बारे में हम इसी प्रकार की वीडियो लेकर आते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, दोस्तों आप सभी को बता दें कि मैं जानता हूँ कि आपके जीवन काल में कई तरह की परेशानियाँ आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कई तरह की समस्याओं का सामना आपको अभी करना पड़ रहा है। जी हाँ दोस्तों, और आप इन्हीं संकट समस्याओं से चिंतित हैं, आपकी परेशानियाँ बहुत ही जल्द अब दूर होने वाला है। दोस्तों अभी आप जितना मेहनत करते हैं उतना फल आपको नहीं मिलता है, आपके हाथ में पेशे नहीं टिकता है। दोस्तों आप कभी कभार कर्ज से भी बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं, और कई बार आप कर्ज लेते हैं तो दोस्तों कर्ज भी चुकाना आपको मुश्किल हो जाता है। दोस्तों जहाँ भी आप मेहनत करते हैं, जहाँ भी कार्य करते हैं, वहाँ पर मुश्किल से थोड़ा बहुत अगर पेशों को बचाते भी हैं तो दोस्तों आपके जीवनकाल में ऐसी विघ्न बाधाएँ आती है, ऐसी कोई संकट ही आ जाती है जहाँ पर आपका पेशा वह फिर से खर्च हो जाता है और फिर से आप धन के लिए बिल्कुल ही तड़पने लगते हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों पेशे की समस्या आपके जीवनकाल में वर्तमान समय में चल रही है, और दोस्तों इन्हीं के कारण आप सभी के जीवनकाल में कई प्रकार के हो हल्ले होते हैं, घर में उलझन होते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि अभी आपके जीवनकाल में आपके रोजगार कारोबार व्यापार में कई तरह की अड़चने चली आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कई तरह की परेशानियाँ उसमें चली आ रही है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके घर में भी एक परेशानी अगर समाप्त हो जाए तो दोस्तों कोई दूसरा परेशानी आ जाती है। घर का कोई व्यक्ति का अगर आप एक मांसा पूरा करते हैं तो दोस्तों उनके कोई दूसरे मांसे आ जाते हैं। इससे दोस्तों आप सभी बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं। हालांकि दोस्तों आप अपने जीवनकाल में कोई भी कसर नहीं छोड़े हैं जिनसे आप सभी का जीवन सुखमय हो जाए। दोस्तों आप दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात एक करके दोस्तों अपने जीवनकाल की खुशियों को पाने की कोशिश करते हैं, लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि कई बार आपके घर में जो मनमुटाव होता है उन्हीं के कारण दोस्तों आप धैर्य खो देते हैं, उन्हीं के कारण दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में आपकी सोचने की क्षमता भी कम हो जाती है। लेकिन दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि समय बदलते हैं और यह समय आप सभी का समय बदलने वाले हैं। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके दिल से जो सबसे अकेले खास इंसान है वह आपके करीब आने वाला है। जी दोस्तों, जो भी आपके दिल के सबसे खास इंसान है वह यश में आपके करीब आने वाला है, और दोस्तों आपकी ज़िंदगी यहाँ से बिल्कुल ही बदलने वाली है। जी हाँ दोस्तों, आप सभी का जीवन का एक नई रास्ता शुरू होने वाली है, एक नया पीढ़ी शुरू होने वाली है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में जो बात हम आपको बताने वाले हैं, जो भी महत्वपूर्ण बातें आपको समझाने वाले हैं दोस्तों, उन्हें आपको बिल्कुल ही बारीकी से समझना होगा ताकि दोस्तों आप सभी को हर एक बात समझ में आ जाए। जी दोस्तों, यह समय देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं। बृहस्पति का मेष राशि में उदय होना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। आपको धन दौलत शोहरत सब कुछ यह समय देने वाले हैं और सब कुछ आपका जीवन परिपूर्ण होगा। और दोस्तों हर क्षेत्र में आप काफ़ी तरक्की भी करेंगे, बहुत सारी खुशियाँ आप सभी को मिलेंगे, बहुत सारी कामयाबी आपको बहुत सारे क्षेत्रों में मिलने वाले हैं। जिस क्षेत्रों में आप मेहनत करते हैं उन सारे क्षेत्रों में यशमी आपके मेहनत के अनुरूप फल मिलने वाले हैं। एक प्रकार से कहें तो दोस्तों यशमी आपके जीवन बदलने का बहुत ही बड़ा मौका है,
और दोस्तों वह जो भी आपसे सच्चा प्रेम कर रहा है, जो छुप छुप कर आपसे प्रेम करते हैं दोस्तों, वह आपके जीवन में भी आएगा जी हाँ दोस्तों। उसी से आपका भाग्य भी यश में बदलने वाले हैं, उन्हीं से आपसे भी का जीवन में एक बड़े बदलाव आने वाले हैं जी हाँ दोस्तों। इसलिए दोस्तों इसका लाभ लेने के लिए सर्वप्रथम आपको अपने जीवन काल में कुछ गलतियों को बिल्कुल ही ध्यान में रखना होगा। कुछ बातों को आप अगर आप ध्यान में रख लेंगे, कुछ गलतियों को आप नहीं करेंगे तो दोस्तों आप सभी के लिए ये बहुत ही अच्छा होगा। बस दोस्तों हम आपको आज के इस वीडियो में एक से दो सरल उपाय बताएंगे, उसे दोस्तों आप सभी की ज़िंदगी में बिल्कुल ही चार चांद लग जाएगी। लेकिन अगर आप सरल उपाय भी नहीं करेंगे, सिर्फ अपनी गलतियाँ करना छोड़ देंगे, आपके जीवन में भेजे सच्चा प्रेम कर रहा है, जो भी सच्चा प्रेम कर रहा है, जो छुप छुप कर आपसे प्रेम कर रहा है, जो प्रेम कर रहे हैं दोस्तों, वह आपकी ज़िंदगी में आएगा और आपके ज़िंदगी में काफ़ी बदलाव भी होगा जी हाँ दोस्तों। आप सभी को बता दें कि आपको अब कौन सी सावधानी बरतनी है, कौन कौन सी गलती जो आपने पिछले समय किए हैं अब आपको नहीं करनी है। सबसे पहले दोस्तों आपको उन्हीं के बारे में बताते हैं दोस्तों। वह कौन इंसान है जो आपसे बिल्कुल ही छुप छुप कर प्रेम करते हैं और उसके आने के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन कौन से बदलाव होगा दोस्तों। उससे पहले आप सभी को एक विशेष बात का ध्यान रखना है कि चाहे आप स्त्री हो या फिर पुरुष हो, आपको किसी कन्या का अपमान नहीं करना है, किसी भी स्त्री वर्ग का आपको अपमान भूल कर भी नहीं करना है। हिंदू धर्म में स्त्री को बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। स्त्री का जो अस्तित्व है दोस्तों वो बिल्कुल ही सबसे अलग है जी दोस्तों। औरत को घर का लक्ष्मी माना गया है जी दोस्तों। हमारे हिंदू धर्म में लक्ष्मी का वास औरत में ही होता है, इसलिए दोस्तों किसी भी कीमत पर किसी भी औरत को आपको अपमान नहीं करना है जी दोस्तों। चाहे वो औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, या फिर पति हो, या फिर प्रेमिका, समाज में कोई भी हो दोस्तों, आपको ऐसा कार्य नहीं करना है जी दोस्तों। किसी का भी आपको अपमान नहीं करना है दोस्तों। ऐसे ही आपको सम्मान करना शुरू कर देना है। और दोस्तों अगर सम्मान नहीं कर सकते तो दोस्तों अपमान बिल्कुल ही नहीं करना है, नहीं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि माता लक्ष्मी इनसे रूठ जाती है जी हाँ दोस्तों। आपके जीवन में एक एक परेशानी इनसे आएगी जी हाँ दोस्तों। रोजगार कारोबार में अड़चने आएंगी, जिंदगी में आपको परेशानियाँ झेलनी पड़ेगी दोस्तों। चाहे आपके पास कितना भी धन हो, दौलत हो, लेकिन दोस्तों फिर भी आप परेशान रहेंगे जी हाँ दोस्तों। आपके पास अधिक धन होने के बाद भी आपके हाथ दोस्तों, चाहे वो पेशे हो, धन हो, किसी न किसी बाधाएं में निकलती रहेंगी जी दोस्तों। इसलिए अब आपको ये गलती नहीं करनी है, भूल कर भी ये गलती आपको नहीं करनी है दोस्तों। अगर आप इस बात का ध्यान रखेंगे, अगर आप स्त्रियों का सम्मान करेंगे तो दोस्तों यश में आपको विशेष लाभ मिलेगा जी हाँ दोस्तों। और इनके लिए आपको एक और महत्वपूर्ण सरल उपाय करना है कि दोस्तों किसी भी बेजुबान जानवर को आपको परेशान नहीं करना है, चाहे वो गाय हो, कुत्ता हो, बकरी हो दोस्तों। इन्हें आपको बिल्कुल भी मारना पीटना नहीं है, उन्हें आपको परेशान बिल्कुल भी नहीं करना है दोस्तों। आप सभी को बता दें कि जो भी जीव हमने नहीं बनाए हैं दोस्तों, उसे किसने बनाया है दोस्तों? उसे ईश्वर ने बनाया है। और दोस्तों ईश्वर की बनाई हुई जीवों को अगर आप परेशान करेंगे, अगर आप उनको दुख देंगे तो दोस्तों ईश्वर का भी पीड़ा आपको सहना पड़ेगा। इस बात से भी आप अवगत हो जाएं। इसलिए दोस्तों आपको इस बात का ध्यान रखना है कि किसी भी आपको जानवर को, जीव जंतु को आपको परेशान नहीं करना है। इसी दोस्तों ईश्वर आपसे प्रसन्न रहते हैं। जो आपके इष्ट देव होते हैं दोस्तों, वे आपसे बहुत ज़्यादा प्रसन्न होते हैं। और इसी दोस्तों आपके घरों की भी स्थिति बदलती है। इसलिए तो दोस्तों हमारे हिंदू धर्म में कई सारे ऐसे उपाय हैं जहाँ पर हमें कुत्ते को, गाय को रोटी खिलाने का कहा जाता है जी हाँ दोस्तों। अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों ईश्वर आपसे प्रसन्न होंगे दोस्तों। अगला इसके बाद दोस्तों यश में किसी भी पक्षियों को आप नहीं मारें, ना ही उसका नुकसान करें। यश में अगर आप घर के ऊपर कोई भी पक्षी दिख जाए आसपास, तो दोस्तों यश में आप उन्हें दाना ज़रूर देना है।
अपने छत पर ही आप दाना रख दें और पानी का व्यवस्था कर दें, ये आपके लिए दोस्तों बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में अगर आपके आसपास कोई सांप दिख जाए तो दोस्तों आपको यश में उन्हें मारना नहीं है। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे लोगों को इनसे डर लगता है, लेकिन दोस्तों आपको क्या करना है, उन्हें भगा देना है। जी हाँ दोस्तों, अगर आप ऐसा करेंगे तो दोस्तों भगवान शनिदेव आपसे प्रसन्न होंगे, और अगर आप उन सांपों को मार देंगे जो सांप आपके आसपास दिख जाए तो दोस्तों इनसे भगवान शनिदेव का काफ़ी पीड़ा आपको सहना पड़ेगा। भगवान शनिदेव इनसे बहुत ही ज़्यादा रुष्ट हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। जी हाँ दोस्तों अगला जो बात आपको विशेष रूप से ध्यान में रखना है, जी हाँ दोस्तों, आपको हमेशा ही इसे गुप्त रखना है। अगर आप बात को सबके सामने साझा कर देंगे, जी हाँ दोस्तों, चाहे वो बात आपके कार्यक्षेत्र की हो या फिर आपकी सफलता की हो, तो दोस्तों आपको नुकसान होगा। दोस्तों आपको अपने जीवनकाल की कोई भी बात, जो चीज़ आपके कोई भी कारोबार आप शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी जगह आप जा रहे हैं, तो दोस्तों ये सब बातों को आपको अपने ही अंदर छुपा कर रखना है। जी हाँ दोस्तों, इनसे दोस्तों आपको आने वाले समय में आपके कार्य में बधाई नहीं मिलेंगे। अगर आप ये सब बातें किसी के सामने साझा कर देंगे तो दोस्तों आपको भविष्य में बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। दोस्तों इसमें आप सभी को बता दें कि दोस्तों ये जो समय है बहुत ही महत्वपूर्ण समय है, इसलिए दोस्तों यश में आपको अपने बातें बहुत ही छुपा कर रखना है। दोस्तों आप सभी को बता दें कि आपके जीवनकाल में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपसे पूछते हैं कि कितने पैसे कमाते हो, कौन से कार्य करते हो, कहाँ पर जाती हो, क्या कर रहे हो। दोस्तों वे चाहे आपके दोस्त हो या फिर आपके कोई रिश्तेदार हो, आपके ऐसे कोई सहकर्मी हो, आपके पड़ोसी हो, दोस्तों आपको सभी को बता दें कि इन सभी को अपनी बातें बिल्कुल भी आपको नहीं बताना। ये सारी बातें दोस्तों आपको गुप्त ही रखना है। जी हाँ दोस्तों, कितना आप कमाते हैं, अगर दोस्तों ये सब बातें अगर आप किसी को बताएंगे, कितना धन आपके पास है, अगर आप ये सब बातें किसी को बताएंगे, तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि भविष्य में दुख, दर्द, संकट, समस्याएँ आपका इंतजार कर रही है। जी हाँ दोस्तों, अगला जो चीज़ है, अगला किसी भी कोई भी चीज़ हो, चाहे दोस्तों किसी भी योजना की आप शुरुआत कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, जी दोस्तों, चाहे आपके घर में किसी का रिश्ता तय हो रहा हो, जब तक वह रिश्ता तय ना हो जाए तब तक दोस्तों आप उन सभी की बातों को किसी के साझा ना करें। कोई अति आवश्यक है तभी किसी के साथ साझा करें। अगर आप ही रोजगार या फिर कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं तो दोस्तों आपको बहुत ही सावधानी रखना जरूरी होगा, किसी के साथ इस सब बातें को आप बिल्कुल ही साझा ना करें। जी हाँ दोस्तों, अगर सबसे ज़्यादा ज़रूरी है तो अभी दोस्तों आप इन बातों को साझा करें। जी हाँ दोस्तों, अगर हर किसी के साथ आप ये सब चीज़ साझा करना शुरू कर देंगे तो दोस्तों आपको कार्यों में सफलता बिल्कुल ही ना के बराबर मिलेगी। दोस्तों इन सभी बातों का अब आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। साथ ही साथ दोस्तों अगला जो चीज़ है कि यश में आपको किसी भी गरीब या फिर मजदूर व्यक्ति को सहायता करना है। जी हाँ दोस्तों, ना कि उनको सताना है, नहीं तो दोस्तों सदैव ही आपके ऊपर बिल्कुल ही, अगर आप उन्हें सताएंगे तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव आपसे रुष्ट हो जाएंगे। खासकर दोस्तों आपके घर में कोई काम करता है, कोई भी सफाई कर्मी हो, लेबर हो, या फिर कोई ऐसे असहयोगी व्यक्ति हो जो कि दोस्तों बिल्कुल ही असहाय है, ऐसे लोगों के दोस्तों आपको बिल्कुल भी मजाक या फिर खिल्लियाँ नहीं उड़ाना है। जी हाँ दोस्तों, इसलिए दोस्तों आप इस बात का ध्यान रखें कि इनसे शनिदेव रुष्ट हो जाते हैं। ये चीज़ दोस्तों आपको अब इन बातों का ध्यान रखना बहुत ही ज़रूरी है। साथ ही साथ दोस्तों आपको एक और बड़ी गलती भूल कर भी नहीं करना है। दोस्तों यश में अगर आपके जीवनकाल में कोई भी बुरी संगत के लोग रहते हैं, बुरे व्यवहार के, बुरे विचार के लोग रहते हैं, तो दोस्तों उनसे आपको बिल्कुल ही दूर रहना है। उनसे दोस्तों बिल्कुल ही आपको संपर्क नहीं करना है। इनसे दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही संकट आएंगे। आप सभी को बता दें कि आपका इष्टदेव महादेव हैं, और दोस्तों महादेव बिल्कुल ही इनसे प्रसन्न नहीं होते हैं। जो लोग बुरी संगत में रहते हैं, जिनका विचार बुरा होता है, साथ ही साथ दोस्तों यश में आप किसी को धोखा बिल्कुल ही ना दें, किसी को ठगने का प्रयास ना करें। जी दोस्तों, किसी के साथ अगर आप रेप करेंगे
तो दोस्तों आने वाले समय में आपको बहुत ही बड़ा नुकसान होगा। साथ ही साथ दोस्तों यश में अगर आप किसी के साथ ठगी करने की कोशिश करेंगे, साथ ही साथ ऐसे करके पैसे कमाएंगे, धन की प्राप्ति दोस्तों इनसे भले ही आपको हो जाए। जहाँ दोस्तों आप 10 रुपये कमाएंगे, वहीं पर दोस्तों कहीं ना कहीं आपको 100 रुपये भरना पड़ेगा और आप परेशान रहेंगे। तो दोस्तों ऐसी गलतियाँ आपको भूल कर भी नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, इसके बाद आप शुभ के जुन काल में यश में बहुत ही जल्दी सच्चा प्रेम आने वाला है, नया प्रेम आने वाला है, जिसके कारण दोस्तों आप शुभ का जीवन बिल्कुल ही बदल जाएगा। दोस्तों जो स्त्री के जातक हैं, यश में आप शुभ को बता दें कि जहाँ पर आप कार्य करते हैं, अगर कोई जॉब करते हैं तो वहाँ पर आपको किसी सहकर्मी से प्रेम हो सकता है। कोई सहकर्मी जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, उन्हें से ही आपका प्रेम हो सकता है, वही आपसे सच्चा प्रेम कर सकते हैं, या फिर आप पढ़ाई के क्षेत्र में हैं तो दोस्तों आप शिव को बता दें कि वहाँ पर भी कोई ईशा है जो आपके सहकर्मी है, जो आपके सहयोगी है, जो आपकी बहुत ज़्यादा मदद करते हैं, दोस्तों उनसे आपको प्रेम हो सकता है। जी दोस्तों, और ये प्रेम आपके जीवनकाल के लिए सच्चा प्रेम होगा। साथ ही साथ दोस्तों आप शिव को बता दें कि आपके जो सच्चा प्रेम है, जो कि आपके जीवन को पूरी तरह बदल देगा, दोस्तों उसका नाम और राशि दोनों हम बताने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो को आगे आप देखते रहिएगा। दोस्तों आपको एक सलाह दी जाती है कि अगर आप नहीं प्रेम में कदम रख रहे हैं तो दोस्तों आपको सोच समझकर ही कदम रखना चाहिए, ताकि आगे चलकर आपको रोना ना पड़े और आपको परेशानियों का सामना ना करना पड़े। खासकर दोस्तों स्त्री के लिए बात बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होती है, क्योंकि अगर आप गलत इंसान से प्रेम करेंगे तो आपका आगे का जीवन बिल्कुल ही बर्बाद हो जाएगा। आगे चलकर आपका घर वाले शादी विवाह के लिए तैयार भी नहीं होंगे ये दोस्तों, और फिर आपको दिक्कत की सामना भी करना पड़ेगा। इसी दोस्तों प्रेम में सोच समझकर ही कदम रखेंगे तो आपके लिए बेहतर होगा, और माता पिता आपके भलाई चाहते हैं। आप हमेशा प्रेम के लिए ऐसे इंसान का चुनाव करें जो कि आपके माता पिता को भी पसंद आए, ऐसे इंसान को ही आप चुनने का प्रयत्न कीजिएगा। जी हाँ दोस्तों, पुरुष जातक अगर आप हैं तो आप शुभ को बता दें कि यश में किसी भी रिश्तेदार के यहाँ पर आपको जाना पड़ सकता है, वहाँ पर किसी कन्या से प्रेम हो सकता है, और पुरुष जातक के लिए समय बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कोई कन्या गुरुवार के दिन जन्म हुआ है, वैश्य कन्या से प्रेम हो जाए तो आपका जिंदगी बदल जाएगा, और आप बहुत सारे गलत कार्य भी कर लेते थे, दोस्तों उन सभी से भी आपको सभी को छुटकारा मिल जाएगा। आपके जीवन वहाँ से धन दौलत शौहरत सब कुछ आपको मिलना शुरू हो जाएगा, और वहीं से आप सभी का जीवन देखते ही देखते बदलना शुरू हो जाएगा। ये दोस्तों अब बात करते हैं इस राशि के जो जातक होते हैं, स्त्री और पुरुष दोनों के लिए कौन सा इंसान जो छुप छुप कर प्रेम करता है, जिससे आप सभी का जीवन बदलने वाला है। दोस्तों बात बिल्कुल ही ध्यान से सुन लीजिएगा। दोस्तों स्त्री और पुरुष दोनों के लिए बात बहुत ज़रूरी है, उसे छुप छुप कर ये प्रेम करती है, आपके जीवन में आते ही आप सभी का जीवन बदल जाएगा। जी दोस्तों, और साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि आप उससे विवाह कर लीजिएगा, ये आपके लिए उत्तम रहेगा। ऐसा नहीं कि प्रेम कुछ दिन के लिए किए, टाइम पास करने के लिए किए और बाद में छोड़ दिए, दोस्तों ये सब कार्य ना करें। अगर आपको कोई अच्छा लगता है तो दोस्तों उनसे आप शादी कीजिएगा, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि वो कौन से राशि के लोग हैं, वे कौन से हैं जो कि दोस्तों बहुत ही जल्द आपको प्यार का इजहार करने वाले हैं। जी दोस्तों, अगर आप स्त्री पुरुष हैं तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि कोई ऐसा इंसान है जो आपके प्रेम में आने वाला है, जो कोई इंसान है जो आपके प्रेम में आने वाली है। तो दोस्तों हम आप सभी को बता दें कि उन सभी का नाम का पहला अक्षर क्या है। दोस्तों उनके नाम का पहला अक्षर है SPRTQGLMKA। दोस्तों ये जो नाम है, ये नाम का पहला अक्षर है जो कि आपसे छुप छुप कर प्रेम करती है, और बहुत ही जल्द दोस्तों ये आपसे इजहार भी करने वाला है। तो दोस्तों समय का अब आपको बस इंतज़ार करना है, कुछ ही समय है जब ये आपसे प्रेम का इजहार कर देंगी,
और दोस्तों इनसे आप सभी का जीवन पूरी तरह बदल जाएगा। इनसे दोस्तों आपको जिन काल की वह सारी खुशियाँ मिलेगा जिनकी आप कामना करते हैं। जी दोस्तों, धन दौलत शोहरत सब आप सभी को आपके भाग्य में मिलने वाले हैं। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आप सभी को अपने जीवनकाल में कुछ गलतियां नहीं करने हैं, कि दोस्तों ऐसा नहीं करना है कि कुछ समय के लिए आप उनसे बात कर लें और फिर बाद में छोड़ दें। दोस्तों अगर आप उन्हें अपना मानते हैं, अगर आपके दिल में उनके लिए जगह है, तो दोस्तों आप उनसे बिल्कुल ही कोई चीज़ ना छुपाएं, बिल्कुल ही बातों को दिल में दबा कर ना रखें, कि दोस्तों ईश्वर ने आपकी जोड़ी स्वयं बनाई है। जी हाँ दोस्तों, साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि आप उनसे विवाह कर रहे हैं, ये आपके लिए बहुत ही अच्छा होगा। समय आपके लिए बहुत है, ज़िंदगी बदलने वाला है, बस आप इस बात का ध्यान रखिएगा। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि दोस्तों देवगुरु बृहस्पति अस्त हो रहे हैं और बृहस्पति मेष में उदय हो रहे हैं। इससे दोस्तों आप सभी को जीवन काल में कुछ खास बदलाव आने वाले हैं। आप सभी को शिव प्रसन्नता भरा माहौल देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, मैनेजमेंट और फिर बैंकिंग में जॉब की सफलता की प्राप्ति हो सकती है। आर्थिक लाभ होने की संभावना दिख रही है। वरिष्ठ सदस्यों से दोस्तों इसमें बातचीत करने से आपको अपने शब्दों में नियंत्रण रखना होगा। साथ ही साथ दोस्तों भूतकाल मिलाकर आप बोलेंगे तो दोस्तों आप सभी को बेहतर होगा। करियर में दोस्तों यश में उन्नति हो सकता है। जो लोग पिछले कई समय से कार्य की तलाश कर रहे थे, यश में उनको मनचाहा रोजगार मिल सकता है। यश में जो लोग पिछले कई समय से पढ़ाई के क्षेत्र में थे, तो दोस्तों शिक्षा के क्षेत्र में यश में आपको कोई बड़ी खुशखबरी मिल सकती है। घरों की स्थिति आपके लिए बहुत ही खास है। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग विदेश जाकर पढ़ाई करने की सोच रहे थे, यश में आपको वो मौका भी मिलेगा। दोस्तों यश में जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे थे, जो लोग नौकरी के लिए बहुत ही प्रयास कर रहे थे, तो दोस्तों यश में अवसर आप सभी के सामने आने वाले हैं। साथ ही साथ दोस्तों जो लोग अविवाहित जातक हैं, उन सभी को विवाह के अच्छे प्रस्ताव आ सकते हैं। साथ ही साथ आप सभी को बता दें कि यश में जिन लोगों के जीवनकाल में बहुत सारी सी परेशानियाँ थी, चाहे वो परेशानियाँ पेशों को लेकर हो, चाहे वो परेशानियाँ किसी रिश्ते की हो, दोस्तों यश में वो परेशानियाँ खत्म होने वाली हैं, क्योंकि यश में आप सभी के भाग्य में गुरु मजबूत होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, इनसे आप सभी के जीवनकाल में बहुत ही बड़ी सूझबूझ आने वाली है। बस आप सभी को बता दें कि यश में आपको अपने घर का माहौल बिल्कुल ही सही बनाकर रखना है। किसी की बातों में यश में आपको भूल कर भी नहीं आना है। यश में घरों की जो स्थिति है, घर का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। घर परिवार का सहयोग आप सभी को मिलेगा। बस कुछ शत्रु आपको परेशान करने की कोशिश कर सकते हैं। ये दोस्तों हमेशा ही परेशान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन यश में भी कुछ संभावना ही दिख रही है। तो बस आपको किसी और की बातों पर नहीं चलना है, किसी के भी ऊपर आँख मूंद कर भरोसा नहीं करना है। जी हाँ दोस्तों, किसी की और की बातों में लगेंगे तो दोस्तों आपके रिश्ते में दरार पैदा हो सकती है और गलतफहमी की वजह से दोस्तों आप सभी के जीवनकाल में बड़ी मुश्किलें आएंगी। तो दोस्तों यश में किसी और की बातों में ना आए। समय आपके लिए बहुत होंगे, बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों यश में आपके बहुत सारे कार्य आपके अनुरूप कामयाब होंगे। शिक्षा के क्षेत्र में बहुत ही बड़ी सफलता आप सभी को मिलने वाली है। संतान से भी यश में आपको कोई खुशखबरी मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, जो लोग पिछले कई समय से किसी बिजनेस में पैसे लगाए थे, यश में आपको पैसा वापस मिलने वाले हैं और बहुत ही खुशखबरी भरा इनसे घर में माहौल भी आएगा। घर में किसी नए मेहमान की आगमन हो सकती है। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि यश में आप किसी के निमंत्रण में भी जा सकते हैं। दोस्तों यश में किसी भी प्रेमी से मनमिलाप आप सभी का हो सकता है। मित्रों की सहायता से आप सभी का आय के नए स्रोत भी आप सभी को प्राप्त होंगे। परंतु दोस्तों यश में घरों की जो स्थिति है, किसी को दोस्तों पेशे उधार ना दें, वरना दोस्तों आप सभी का पेशा फंस सकता है। जी दोस्तों, यश में धन कमाने के बहुत सारे मौके आप सभी को मिलने वाले हैं। बस आपको अपने जीवनकाल में जो भी कार्य करते हैं, अपने जीवनकाल में दोस्तों माता पिता का हर बात मानें, माता पिता को दोस्तों अपने जीवनकाल की हर बात बताएं। कोई नए कार्य की शुरुआत कर रहे हो, चाहे दोस्तों किसी भी कार्य में आपको सफलता मिली हो, दोस्तों अपने माता पिता से दोस्तों हर बातों को आपको साझा करना है। इससे दोस्तों हर व्यक्ति के जीवनकाल में जो शुक्र ग्रह होती है दोस्तों वो मजबूत होता है, और शुक्र ग्रह दोस्तों धन के कारक होते हैं, माता लक्ष्मी के कारक होते हैं। तो दोस्तों इस बात का ध्यान रखें कि घर के जो भी माता पिता हैं दोस्तों, उनका आपको सम्मान करना है, उनसे आपको हर बात बतानी है।
दोस्तों यशमी, अगर आप किसी के ऊपर कोई पेशा लगा रहे हैं, कोई कहने पर आकर दोस्तों कोई भी पेशा आप कहीं पर लगा रहे हैं, तो दोस्तों वह पेशा आपका फंस सकता है। इसलिए दोस्तों इस बात का आप ध्यान रखें, किसी के साथ पार्टनरशिप में आप कार्य कर रहे हैं दोस्तों, बिल्कुल भी आपको यश में कार्य नहीं करना है। बिल्कुल ही दोस्तों यश में आपको वे कारोबार तोड़ देना है, इससे दोस्तों आपको भविष्य में नुकसान होगा। तो दोस्तों ये सभी बातें आपको ध्यान रखना है, इनसे आप सभी के जीवन काल में परेशानी आ सकती है, जिनसे दोस्तों आप सभी की आर्थिक स्थिति डगमगा जाएगी। इसलिए दोस्तों इस बात का ध्यान रखें। साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि जिन भी लोगों का विवाह नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का विवाह में विलंब हो रहा है, तो दोस्तों इसमें आपको कौन से महत्वपूर्ण उपायों को करना चाहिए। दोस्तों महादेव और पार्वती का एक साथ वाली मूर्ति का आपको पूजा करना चाहिए, इससे जल्दी ही आप सभी का विवाह संपन्न हो जाएगा। अगर आप स्त्री हैं तो दोस्तों लंबे समय से अगर आप दिक्कतों का सामना कर रहे हैं, रिश्ते नहीं आ रहे हैं, तो आप सभी को बता दें कि रिश्ते आप सभी का अब आएंगे और बहुत ही अच्छा वर की आपको प्राप्ति होगी। इसके लिए दोस्तों आपको 16 सोमवार का व्रत करना चाहिए। जी दोस्तों, इसे आप सभी का मनोकामनाएं बहुत ही जल्द महादेव पूरी करेंगे, माता पार्वती पूरी करेंगे। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि अगर आपके जीवन काल में बहुत सारी अड़चने आ रही हैं, शत्रु आपके कार्यों में बाधा खड़े कर देते हैं, शत्रु बहुत ज़्यादा परेशान करते हैं, तो आपको दुर्गा चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे आपके जो भी शत्रु है उनका सर्वनाश हो जाएगा। और अगर आप शत्रु का नाम जानते हैं, अगर वह शत्रु आपका अपना ही है, उनसे आप बहुत ही परेशान हैं, तो दोस्तों ऐसे में आपको शनिवार या फिर मंगलवार के दिन हनुमान चालीसा का पाठ करना चाहिए। इससे जल्द ही अपने शत्रु परेशान, अपने जो लोग शत्रु बनते हैं वो दोस्तों बहुत जल्दी परेशान होते हैं और आपको परेशान कभी नहीं करेंगे। इनसे दोस्तों वो लोग आपको बता दें कि जो लोग आपको परेशानियों में डालना चाहते थे दोस्तों, वो लोग खुद ही अपनी परेशानियों में आ जाएंगे और कोई भी अपने लोग आपको आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएगा। और साथ ही साथ दोस्तों हनुमान मंदिर में बैठकर आपको सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए, इससे भी काफ़ी लाभ होता है। अगर आपके कारोबार में अड़चने आ रही है, व्यापार रुक गया है, बहुत सारी दिक्कतें आपके जीवन काल में पैसों को लेकर दिक्कतें आ रही है, चाहे आप कर्ज से परेशान हैं, जी हाँ दोस्तों, तो यश में आपको सुंदरकांड का भी पाठ करना चाहिए। इससे आप सभी के जीवन काल में ये सारी परेशानियाँ समाप्त होंगी। जी हाँ दोस्तों, आप सभी को बता दें कि बहुत सारी बड़े बड़े समस्याएं हैं जो कि पिछले कई समय से आपके जीवन काल में हैं, छूटने का नाम ले ले रहे हैं, तो दोस्तों इसी में आपको किन्नर को हरे रंग का वस्त्र और चूड़ी का दान करना चाहिए। जी दोस्तों, इसी आप सभी के रोजगार कारोबार जो पिछले समय से बहुत समय से आपके जीवन काल में समस्याएं हैं, अड़चने हैं, वे सब दोस्तों जल्दी ही आपके जीवन काल से खत्म हो जाएंगे, उन सभी से आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। जी दोस्तों, साथ ही साथ दोस्तों आप सभी को बता दें कि आप सभी के जीवन काल में अगर कोई ऐसे कार्य हैं जो कि दोस्तों आपसे नहीं हो रहा है, आपको उनमें मन लगता है लेकिन फिर भी दोस्तों वो कार्य नहीं हो रहा है, आपको हर बार असफलताएँ हाथ लगती है, तो दोस्तों ऐसे में आप सभी को बता दें कि पीपल के पेड़ में सुबह सूर्यदेव होने से पहले आपको शनिवार और मंगलवार को जल अर्पित करना चाहिए। इसे दोस्तों आपका हर वो कार्य जो आपके मनपसंद कार्य है आपसे नहीं हो रहे हैं, दोस्तों वे सारे कार्य आपके हाथों से होंगे और अवश्य ही आपको उनमें कामयाबी मिलेगी। जी दोस्तों, ये बहुत ही महत्वपूर्ण उपाय है, तो दोस्तों इन्हें आप बिल्कुल ही ध्यान से कीजिएगा। शादी से दोस्तों धन में अगर आपको वृद्धि करना है तो दोस्तों पीपल के पेड़ के नीचे उसी समय शाम में आपको सरसों के तेल का दीपक जलाना चाहिए, शनिवार या फिर मंगलवार के दिन। जी हाँ दोस्तों, ध्यान रखिएगा। और दोस्तों अगर आप नौकरी के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं, आपको बहुत सारी समस्या असफलताएँ हाथ लग रही है, तो दोस्तों आप सभी को बता दें कि प्रतिदिन सुबह जल्दी आपको सोकर उठना है और दोस्तों सूर्योदय होने से थोड़ा पहले समय सूर्य को आपको जल अर्पित करना चाहिए, जो ब्रह्म मुहूर्त का समय होता है दोस्तों, उसी समय आपको ध्यान देना है, उसी समय आपको सूर्यदेव को जल अर्पित करना है। और दोस्तों इस बात का ध्यान दें कि जो भी आप जल अर्पित कर रहे हैं उसका छींटा आपके पैर में ना पड़े। जी दोस्तों, किसी भी आप ऊंचा स्थान से सूर्यदेव को जल अर्पित कर सकते हैं। अगर दोस्तों आपके सामने कोई पत्थर हो तो दोस्तों आप उनसे उसके ऊपर चढ़कर आप जल को अर्पित कर सकते हैं। अगर दोस्तों पत्थर ना हो तो दोस्तों अपने घर के शुद्ध गमले को आप अपने सामने रख कर दोस्तों उस पर चढ़कर आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें, ताकि आपके पैरों में उसका छींटा ना पड़े। जी दोस्तों, इस बात का बस आपको ध्यान देना है और आपका
जो भी पूजा पाठ है दोस्तों वो सफल होगा। आपको जो लंबे समय से नौकरी नहीं मिल रही थी दोस्तों, उनमें आपको सफलता की प्राप्ति होगी। जी हाँ दोस्तों, तो दोस्तों इन सभी उपायों को कीजिएगा, ये आपके जीवन काल के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का धन्यवाद। आप सभी का दिन शुभ हो, मंगलमय हो।